I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Derby College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode, and we are discussing the theories of personality nowadays. And today I am going to take a very important theory of personality, that is Erik Erikson's theory of personality. And this lecture will be useful for various teaching examinations because there are many, many questions on personality which has to be asked in certain examinations. Okay, and do subscribe my channel so that you can get my all videos and stay connected, stay tuned. So let's start. First of all, something about Erikson. Erikson extended Freud's stages by discussing the cultural implications of development. Certain cultures, they need to resolve these stages in different ways based upon their cultural and survival needs. जब हम फ्रायड पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था नियो फ्रायडियंस. नियो फ्रायडियंस में वो लोग जिन्होंने फ्रायड की थ्योरी का ही क्रक्स लेकर उसको आगे बढ़ाया, लेकिन वो चीज छोड़ दी जिस पर फ्रायड बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की जाती है, जैसे सेक्सुअलिटी वाला पॉइंट. तो उसी में से एरिक्सन भी हैं. उनका बेसिक उन्होंने फ्रायड की थ्योरी से ही लिया है, लेकिन उन्होंने सेक्सुअलिटी साइको सेक्सुअल ना लेके साइको सोशल डेवलपमेंट कर दिया है पर्सनैलिटी का. इन्होंने कहा है कि नहीं, सोशल कल्चरल सोसाइटी कल्चर ये सब चीजें जो है एनवायरमेंट वो ज्यादा इंपैक्ट करता है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, ना कि एक कोई नैरो नैरो चीज नैरो यू कैन से, मतलब कई चीजें इंपैक्ट करती हैं, ना कि सिर्फ सेक्सुअलिटी इंपैक्ट करती है जैसा कि फ्रायड कह रहे थे. तो इन्होंने फ्रायड की स्टेजेस को ही एक्सटेंड किया है. फिर एरिक्सन मेंटेन्ड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर. देखिए, ये कह रहे हैं कि पूर्व निर्धारित है वो क्रम, प्री डिटरमाइंड ऑर्डर है, यानी कि वो डिटरमिनेशन पहले ही हो चुका है कि हमारी पर्सनैलिटी किन स्टेजेस से होकर गुजरेगी. थ्रू एट स्टेजेस, ये आठ स्टेजेस की बात करते हैं जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट है, यानी साइकी मतलब इंडिविजुअल आ रहा है और सोसाइटी आ रही है, दोनों का इंटरेक्शन चल रहा है और उससे हमारी पर्सनैलिटी गठित हो रही है इन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन. फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड. देखिए, जनरली जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने 12 से 18 साल के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं की है, लेकिन एरिक्सन अप टू डेथ तक गए हैं और उन्होंने वहां तक कवर किया है एट स्टेजेस में. तो ये एक बहुत ही रोचक आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है, स्टेजेस हैं. देन एरिक्सन वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स प्लेड अ रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स. एरिक्सन किस बात में रुचिकर थे, उनको इस बात में ज्यादा रुचि थी कि किस तरह से जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक अंतर संबंध है, वो कैसे रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं व्यक्ति की, मनुष्य की डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि कैसे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, उसमें समाज किस तरह से अपना ताना बाना बुन रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट अपना प्रदान कर रहा है, ये इन्होंने इसमें रुचि थी इनको और इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इनकी क्या कही जाएगी ड्यूरिंग ईच स्टेज. कह रहे हैं ना कि आठ स्टेजेस है साइको सोशल डेवलपमेंट, इतना समझ में आ गया. देन ये कह रहे हैं ड्यूरिंग ईच स्टेज द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ साइको सोशल क्राइसिस. वो कह रहे हैं हर चरण पर जो व्यक्ति है वो अनुभव करता है एक मनो सामाजिक क्राइसिस अनुभव करता है, विच कुड हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. वो कह रहे हैं कि हर बार एक क्राइसिस आ रही है, लेकिन अगर आप उसको स्मूथली कवर कर दे रहे हैं, स्मूथली आप ट्रांजिशन फेज में चले जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में चले जा रहे हैं, तो बढ़िया पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, और नहीं कर पा रहे हैं तो वही पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी इन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन. देन फॉर एरिक्सन दीज क्राइसिस ड्यू ऑफ ए साइको सोशल नेचर. क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे हैं ये क्राइसिस, इसलिए क्योंकि साइको सोशल नेचर है. क्या होगा, को सोशियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हमारी कुछ इंडिविजुअल की नीड है, कुछ सोसाइटी की नीड है, तो दोनों ही नीड में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. अगर दोनों नीड एक तरफ जा रही हैं, वेल एंड गुड, इंडिविजुअल कुछ चाहता है, सोसाइटी कुछ चाहती है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है, तो फिर दिक्कत की बात है. देन According to the theory, successful completion of each stage results in a healthy personality and the acquisition of basic virtues. वो कह रहे हैं कि sorry, अगर हम each stage को successfully हमने complete कर लिया, मतलब बढ़िया तरीके से हमने crisis को resolve कर लिया और हम next stage पर चले गए, तो क्या होगा, एक healthy personality का हमें विकास होगा और basic virtues को हम ग्रहण कर पाएंगे, जो मूल गुण हैं, जो basic गुण हैं, वो हम develop कर पाएंगे, acquisition हो जाएगा उनका. देन स्टेजेस, देखिए चूंकि ये हायरार्किकल स्टेजेस हैं और ये एग्जैक्टली हमको इसी तरह से इसी क्रम में याद करने, इसमें कोई हम फेर बदल नहीं कर सकते, तो आपको याद करना होगा कि आठ स्टेजेस, आठ स्टेज में पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट.
अभी इसको और आप बाद में एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये क्रम आपको याद हो कि ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, यानी कि या तो हम विश्वास कर सकते हैं या विश्वास नहीं कर सकते की स्थिति है। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी कि स्वायत्तता, या हम नहीं कर पाए वो काम तो कुछ शर्म होगी, कुछ डाउट क्रिएट हो जाएगा। देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि कुछ काम करने के लिए आप में इनिशिएटिवनेस होगा कि नहीं इस काम को किया जाए, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अपराध बोध होगा। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री का मतलब है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ हम श्रम करना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन, हम कौन है ये चीज तय करना चाहते हैं, और अगर तय कर लेंगे तो बढ़िया है, और नहीं तय कर पाएंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, कंफ्यूजन की स्टेट हो जाएगी। इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, नेक्स्ट स्टेज पे वो कह रहे हैं कि या तो हम इंटीमेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और इंटीमेट रिलेशनशिप रख लेंगे वेल एंड गुड, नहीं रख पाएंगे तो हम आइसोलेट स्थिति में चले जाएंगे, मतलब विलगित हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे सबसे। फिर जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर, ये लास्ट के मेच्योर एडल्टहुड और ये एकदम लेट एडल्टहुड की ये आपको स्टेजेस हैं जो आगे के चित्र से आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो ये इसलिए कि ये याद हो, कम से कम पहले याद कीजिए फिर समझ में तो आई जाएगा। देखिए शुरुआत यहां से की थी ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि जब बच्चा इन्फेंट है, शैशवावस्था में है, तो उसके लिए क्राइसिस कौन सी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या तो वो ट्रस्ट उसको डेवलप हो जाएगा अपने केयर गिवर के प्रति, और या नहीं होगा। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, यहाँ पे कहते हैं अब ये नेक्स्ट एक और समरी है, उससे आप और बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है उसमें आपको ईयर भी पता चल जाएगा, जैसे ये जन्म से 1.5 साल तक, 18 महीने तक, फिर ये 2 से 3 साल तक, इस तरह से। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, ऑटोनोमी, या तो हमको कोई काम करने के लिए ना ऑटोनोमी होगा कि हम ये कर सकें, खुद से कर सकें, पर्सनल डिपेंडेंस, पर्सनल इंडिपेंडेंस आ जाए, और नहीं कर पाएंगे तो शेम एंड डाउट। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ सिखाते हैं, अगर बच्चे ने मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन वो उसने रोक लिया, उसने समय से बता दिया तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर आप उसको उसको शर्म आती है ना कि अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने तुमने पैंट में टॉयलेट कर दिए, इस तरीके से। देन प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जा सकने की स्थिति में कई चीजों के लिए इनिशिएटिवनेस लेता है, और इनिशिएटिवनेस अगर ले लिया, काम उसने अच्छे से कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो उसको अपराध बोध होता है। उसी तरह से स्कूल एज, अब स्कूल जाने लगा बच्चा तो कई काम करेगा वो, कई काम करना चाहेगा, उसको कुछ टास्क दिए जाएंगे, वो प्राइड महसूस करता है कि अगर उसने कोई अकॉम्प्लिशमेंट हासिल कर लिए तो, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। देन एडोलेसेंट एज में, ये देखिए बहुत खास बात, आपको ये पता होना चाहिए कि इरिक्सन ने ही आइडेंटिटी क्राइसिस का भी कंसेप्ट दिया, और इन्होंने पूरा इस पे मोरेटोरियम और ऐसे करके बहुत सारी स्टेजेस बताई हैं, उसको हम यहाँ डिटेल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक एक स्टेज समझने के लिए आपको एक एक लेक्चर चाहिए, है ना। तो एडोलेसेंस जो स्टेज आती है उसमें कह रहे हैं ये कि हम जानना चाहते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, में कौन से रोल्स हैं जो मुझे अडॉप्ट करने हैं, कैसे नॉर्म्स हैं जो हमको फुलफिल करने हैं, जेंडर का कंसेप्ट यहाँ पर आता है व्यक्ति को। तो आइडेंटिटी, या तो हमको पता चल जाए हमारा अस्तित्व क्या है, और अगर आइडेंटिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, और रोल कंफ्यूजन की स्टेज आएगी कि हमको करना क्या है ना। देन यंग एडल्टहुड में क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, यहाँ पे यू कैन से कि रोमांटिक रिलेशनशिप बनते हैं, इंटीमेसी होती है, और अगर आप इसमें फुलफिल हो गए तो बढ़िया है, और अगर नहीं हो पाए तो आप अपने आप को अलग थलग महसूस करते हो, फिर आपकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है। देन मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, हम देखते हैं कि मतलब कुछ कि हम सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, प्रोडक्टिव हमारे मतलब अब उनके बच्चे पैदा हो गए और वो बच्चे भी अब कुछ सोसाइटी को देने लगे, उन्होंने बढ़िया से उनको ग्रो अप कर लिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सेटल हो रहे हैं बच्चे, तो मिडिल एडल्टहुड में आदमी ये सब देखता है। और मेच्योरिटी में क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन है, देखिए जैसे घर बन गया, उसने सेटलमेंट हो गया, सब सेटल हो गया, ये सारी चीजें इसमें सब, इसमें ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, ये देखिए जैसे यहाँ लव इंटीमेट रिलेशनशिप, इसलिए इस तरह के दे रखा है, इसलिए इस तरह के, यहाँ देखिए मिरर टाइप का दे रखा है, मतलब क्या रिफ्लेक्शन है। इस स्टेज में आके हम पूरी जिंदगी को अपने फिर से देखते हैं कि हमने क्या पाया, क्या खोया। अगर आपने बहुत अच्छे से जिंदगी जी है, आपके बच्चे अच्छे से सेटल हैं, सब अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, कहीं कोई भगवान की दया से मिस हैपनिंग नहीं है, तो क्या होगा, एक इंटीग्रिटी की फीलिंग आएगी कि हमने अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उस वक्त भी आप दुखी ही रह जाएंगे वृद्धावस्था में, और अल्टीमेटली तो डेथ है ही,
ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं साइको सोशल स्टेजेस, साइकी यानी इंडिविजुअल की, सोसाइटी से सोशल आ रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के इन्होंने सारे बता दिए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेप, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये सब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को अच्छे से क्रॉस कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे आपका ट्रांजिशन जो है वो बढ़िया से हो जाएगा, और ओवरऑल आप लास्ट में जब मेच्योरिटी वाली स्टेज में जाएंगे तो इंटीग्रिटी वाली स्टेज में आएंगे, अगर आपने सारी स्टेजेस को ठीक से क्रॉस किया है तो। देखिए ये भी एक समरी है, इसे आप और बेहतर समझ सकते हैं। इन्फेंसी, बर्थ से 18 मंथ, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज में हो रहा है, ट्रस्ट हो रहा है या तो मिसट्रस्ट। मतलब कहते हैं ना कि जैसे बच्चा रोता है तो उसका केयर गिवर दौड़ के उसके पास जाता है, उसको भूख लगी उसकी माँ उसका तुरंत उसको दूध पिलाती है, तो उसमें ये विश्वास डेवलप होता है कि जब जब वो तकलीफ की स्थिति में होगा तब तक उसका केयर गिवर उसको सपोर्ट देगा। और इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, फीलिंग, और आउटकम क्या निकल कर रहा है, होप निकल कर रहा है, आशा है, आशान्वित हो रहा है वो कि वो जब तकलीफ में होगा तो उसको साथ मिलेगा किसी ना किसी का। इसी तरह से अर्ली चाइल्डहुड का आपको यहाँ समय भी पता चल गया, 2 से 3 वर्ष, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड आउट है, यहाँ टॉयलेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इवेंट है, और आउटकम क्या निकल के आ रहा है, विल, इच्छा शक्ति की, ठीक है हम ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से एक्सप्लोरेशन का पर्पस है, स्कूल में कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है, एडोलेसेंट में फिडेलिटी आप डेवलप कर सकते हैं, यंग एडल्टहुड में लव है आउटकम, मिडिल एडल्टहुड में केयर है, और मेच्योरिटी में विजडम है, यानी कि इंटेलिजेंस को भी बढ़िया एकदम एकदम प्योर फॉर्म में, विजडम के फॉर्म में देखना कि उचित अनुचित कैसा रहा, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, एक रिफ्लेक्शन कर रहे हैं आप लाइफ पे, और ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त आप इंटीग्रिटी की स्टेज में हो। तो पूरा इन्होंने लाइफ स्पैन कवर किया एरिक्सन ने, इसके पहले किसी ने नहीं कवर किया था। जनरली हम पढ़ते आते हैं कि एडोलेसेंट स्टेज के बाद ये सारे डेवलपमेंट चीजें छोड़ दी जाती हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन, अगर हम इनकी समालोचना करना चाहें तो क्या पाएंगे, बाय एक्सटेंडिंग द नोशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, एरिक्सन आउटलाइंस अ मोर रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। इन्होंने क्या किया है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए इन्होंने एक यथार्थ का परिदृश्य लिया है, मतलब हम उससे अपने आप को एक सार कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। Then, based on Erikson's ideas, psychology has reconceptualized the way the later periods of life are viewed. मैं कह रही थी ना, पहली बार ये देखा गया कि जो अंतिम समय है, जो बाद का समय है जीवन का, जिसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, उसको भी ये कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, मिडिल लेट एडल्टहुड भी आपकी पर्सनैलिटी के निर्माण में सहायक है, और वहां से भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है पर्सनैलिटी, है ना। तो मिडिल एंड लेट एडल्टहुड आर नो लॉन्गर व्यूड एज इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट नहीं है, उनका भी उनकी भी रेलेवेंस है, बिकॉज ऑफ एरिक्सन दे आर नाउ कंसिडर्ड एक्टिव एंड सिग्निफिकेंट टाइम्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, और वो भी आपकी व्यक्तिगत वृद्धि का हिस्सा है, उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। देन व्हाइल दिस थियरी वाज इंपैक्टेड बाय साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रायड्स वर्क, एरिक्सन्स थियरी सेंटर्ड ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट रादर देन साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये भी आपको बता चुकी कि सिगमंड फ्रायड के वर्क पे ही बेस्ड है, लेकिन इन्होंने साइको सेक्सुअल ना लेके साइको सोशल स्टेजेस ली, और बहुत सुलझा हुआ इनका क्लासिफिकेशन है, और बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आपसे कुछ नहीं तो ये सवाल तो मतलब आग बंद करके आप जवाब दे सकते हैं कि 8 स्टेजेस हैं, लेकिन वो कह देगा बीच की स्टेज कौन सी है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कहाँ, मतलब एग्जैक्टली तो बीच नहीं आएगा, 9 पे बीच आता, लेकिन वो पूछ ले 4थी स्टेज कौन सी है, 5वीं स्टेज कौन सी है, इसका मतलब आपको स्टेज बिल्कुल क्रम से याद करनी, वो पूछ लेगा उच्चतम स्टेज क्या है, स्टेज का पर्पस आउटकम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत 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 सवाल बनते हैं इस पर, तो अच्छे से याद करेंगे तभी सवालों के सही जवाब दे पाएंगे। ओके, I have completed this theory also for personality, and I have covered all personalities of all theories of personality, which is in the course of MA first semester. Okay, so thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Join my Telegram group too. Okay, done from my side.